लवर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम समोसा बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल हलवा स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। पहले हम समोसे का कवर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 300 ग्राम मैदा लिया है और उसमें आधा चम्मच नमक डालूंगी और थोड़ा सा आधा चम्मच मैं अजवाइन डालूंगी। अजवाइन डाल ली है, अब मैं 2 चम्मच घी डालूंगी। हम 2 चम्मच डाल लेंगे, फिर उसे अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। पानी पहले हम नहीं डालेंगे। आटे के साथ अच्छे से ये सारे घी और अजवाइन नमक अच्छे से मिक्स हो जाए, तब हम उसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छे से हम हाथों से मसलते हुए आटे को मिक्स करेंगे और थोड़ा सा उसमें पानी डालेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा डालना है, थोड़ा थोड़ा डालकर एक बहुत तो थिक डो हमें तैयार करना है। मैं और थोड़ा उसमें पानी डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। देखिए, अच्छे से टाइट आटा मैंने गूंद लिया है और उसे अच्छे से थोड़ा कवर कर कर मैं रख दूंगी। एक आधा घंटा हम उसे कवर कर कर रखेंगे, अच्छे से वो रेडी हो जाएगा। अब हम समोसे की फिलिंग तैयार करेंगे। मैंने 1/2 kg आलू लिए हैं, उन्हें थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर लिया है। अब हम इन आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। सारे आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे, 1 बड़ा चम्मच। उसमें 1 चम्मच जीरा डालूंगी। जीरा अच्छे से थोड़ा तड़क जाए मैं फ्लेम को लो कर लूंगी। अब फिर थोड़ा सा उसमें चाट मसाला डालूंगी, थोड़ा सा अदरक डालकर अब फ्लेम को मैं ऑफ कर लूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को इसलिए मैंने ऑफ किया है ताकि सूखे मसाले हमारे नहीं जलें। इसके बाद मैं धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, मिर्च और हींग डालकर अच्छे से भून लेंगे। मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है, थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जो मैंने आलू मैश कर कर रखे थे वो भी इसमें डाल लूंगी। देखिए, सारे आलू इसमें डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सारे आलू मैंने डाल लिए हैं और चम्मच को चलाते हुए हम अच्छे से हाई फ्लेम पर भूनेंगे। ऐसे हम भूनेंगे तो उसका मॉइस्चर जो आलू का है वो सूख जाएगा, हमारे समोसे बहुत देर तक क्रिस्पी रहेंगे। हाई फ्लेम पर इसे भूनूंगी 2 मिनट तक। मैंने आलू को बॉईल करते जब नमक डाला था और हमारे चाट मसाले में भी नमक होता है, तो मैं एक्स्ट्रा नमक नहीं डालूंगी, बस इतना ही काफ़ी है। 2 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। एक प्लेट में निकाल लूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। मैं चेक कर लूंगी हमारा आटा अच्छे से हो गया है। देखिए, ये अच्छे से टाइट डो हमारा तैयार हो चुका है। मैं थोड़ा इसको मसलते हुए छोटे छोटे लोइयां बनाकर तैयार कर लूंगी। इतनी साइज की मैं लोइयां बना लूंगी। आप जितने साइज की चाहे बना सकते हैं, छोटे या बड़े। और हम इसे बेल लेंगे। आप मोटा पतला आपके हिसाब से बना सकते हैं। मैंने थोड़ा मोटा रखा है कवर। मैंने अच्छे से मीडियम साइज का बेल लिया है। इतना मीडियम थिकनेस रखकर अब मैं बीच से उसे कट कर लूँगी। इतने में हमारे 2 समोसे बनेंगे। बीच में फिलिंग को रखकर मैं थोड़ा सा फैला लूँगी और थोड़ा सा उसको ऊपर से पानी लगा लूँगी। हम इसे पानी इसलिए लगाते हैं कि ऑयल में जब हम इसे डालते हैं तो वो नहीं खुलेंगे। अच्छे से हम उसे चिपका लेंगे ऊपर से और ऐसे हाथ में पकड़ लेंगे और ऊपर भी हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पानी लगाना ज़रूरी है, लगाएंगे तो हमारे समोसे खुलेंगे नहीं। एक प्लेट लेकर हम ऐसे मोड़ लेंगे। देखिए, मैंने बीच में एक प्लेट ली है। कितना अच्छा हमारा समोसा हलवाई जैसा लग रहा है। ऐसे ही हम और एक समोसा भी तैयार कर लेंगे। देखिए, ऊपर से फिर से पानी लगाएंगे
ऐसे ही फर्स्ट में हमने जैसे लगाया था वैसे ही मोड़कर और एक समोसा तैयार कर लेंगे। इसे आप हाथ में भी पकड़कर पानी लगा सकते हैं। मैंने नीचे रखकर लगाया है, वो बहुत इजी मेथड है। ऊपर भी हम पानी लगाएंगे और एक प्लेट लेंगे, पीछे की तरफ एक प्लेट लेंगे। इससे हमारे समोसे बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए अच्छे से चिपका लेंगे। हमारा समोसा रेडी हो चुका है। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, लो फ्लेम पर मैंने उसे रखा है। एक एक समोसा हम उसमें छोड़ते जाएंगे। मैं सिर्फ दो ही समोसे इसमें छोड़ूंगी, ज़्यादा हमें नहीं डालना है। मेरे समोसे बड़े हैं तो मैंने दो ही डाले हैं। लो फ्लेम पर मैं इसे अच्छे से तल लूँगी। हमें लो फ्लेम पर तलना है क्योंकि हमारे समोसे क्रिस्पी बनेंगे। हाई फ्लेम पर तलेंगे हम तो ऊपर तो पक जाएंगे लेकिन अंदर वो नहीं होंगे, बहुत क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ऐसे हम लो फ्लेम पर तलेंगे तो अच्छे से वो क्रिस्पी, बहुत देर तक क्रिस्पी रहेंगे। इतना कलर मैंने किया है, इससे कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। देखिए हमारे दो समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं। ऐसे ही मैं और एक बैच भी तल लूँगी। हमारे समोसे तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल हलवाई जैसे। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।